नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के उन महान खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर रातों रात नाम कमाया था, लेकिन वक्त के साथ वह धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए और आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हुए। कुछ खिलाड़ी अपने खेल से सुपरस्टार बन गए तो कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनमें कूट कूट कर प्रतिभा होने के बावजूद अपनी चमक बरकरार नहीं रख पाए। तो दोस्तों अब जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जो क्रिकेट की दुनिया से अलग अपनी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में क्रिकेट के मैदान पर उतरे। इनके क्रिकेट करियर की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार नहीं थी। आपको बता दें कि पहले दो वनडे में तो वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों तक क्रिकेट की दुनिया पर राज किया। आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने पहले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। आपको बता दें कि क्रिकेट की दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे खिलाड़ी आए जो रातों रात छा गए। आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों के करियर में ना सचिन जैसी चांदनी थी, ना महेंद्र सिंह धोनी जैसी सफलता और ना विराट कोहली जैसा तेवर। ये क्रिकेट खिलाड़ी कब क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए पता ही नहीं चला। ये खिलाड़ी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो दोस्तों जानते हैं उन क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जिनकी एंट्री क्रिकेट की दुनिया में शानदार हुई थी, लेकिन वह क्रिकेट की दुनिया से धीरे धीरे गायब हो गए। तो दोस्तों पहले नंबर पर है करुण नायर। भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट मैच में 13 शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ साल 2016 में करुण नायर ने चेन्नई में 303 रन की नाबाद पारी खेली थी। उनकी इस पारी के बाद लगा कि भारतीय क्रिकेट में करुण नायर अपने पैर जमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि इसके बाद करुण नायर को 3 टेस्ट मैचों में मौका मिला जिसमें वह बुरी तरह फ्लॉप रहे। फिर क्या था, चयनकर्ताओं ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। वह भारतीय टीम से ड्रॉप हुए और घरेलू क्रिकेट में खेलकर वापसी की भरपूर कोशिश करने लगे, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। इस तरह यह कहा जा सकता है कि करुण नायर उन खिलाड़ियों में से हैं जो रातों रात सुपरस्टार तो बने, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें भुला दिया गया। अब बात करते हैं नंबर दो की, तो नंबर दो पर है जोगिंदर शर्मा। दोस्तों आपको T20 वर्ल्ड कप 2007 तो याद ही होगा। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम भी जैसे तैसे लक्ष्य के करीब पहुंच गई थी। 19वें ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान ने 145 रन बना लिए थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि सेट बल्लेबाज मिसबाउल हक क्रीज पर मौजूद थे। अंतिम ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। भारतीय टीम के सभी मुख्य गेंदबाजों के ओवर का कोटा भी पूरा हो चुका था और भारत को एक विकेट की जरूरत थी। ऐसे में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा पर बहुत बड़ा दाव खेला। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जोगिंदर शर्मा ने 7 रन दे दिए। मैच जीतने की उम्मीद खत्म होने लगी थी, लेकिन अगली गेंद पर मिसबाउल हक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे और इस तरह जोगिंदर शर्मा मैच के हीरो बन गए। जोगिंदर शर्मा तब भारतीय टीम के सुपरस्टार थे, लेकिन जिस मैच में वह हीरो बने वही मैच उनके लिए आखिरी मैच साबित हुआ और इसके बाद वह क्रिकेट की दुनिया से गायब हो गए। अब बात करते हैं नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर है नरेंद्र हिरवानी। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर नरेंद्र हिरवानी अपने डेब्यू मैच में ही 16 विकेट लेकर छा गए थे। आपको बता दें कि 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें 17 मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह धार नहीं दिखी जैसा कि डेब्यू में दिखा था। इसी समय भारतीय टीम में अनिल कुंबले की एंट्री हुई थी। आपको बता दें कि अनिल कुंबले के आते ही नरेंद्र हिरवानी को भारतीय टीम से किनारा कर दिया गया। 1996 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के बाद वह कभी भारतीय टीम के लिए लाल गेंद से क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखे। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर चार की, तो नंबर चार पर है अमय कुरेशिया। दोस्तों आपको बता दें कि अमय कुरेशिया ने 1999 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पेप्सी कप में डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में अमय कुरेशिया ने महज 45 गेंदों में 57 रन बनाए थे, लेकिन पहले मैच के बाद अमय कुरेशिया अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाए और कुछ सालों बाद उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म हो गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर पाँच की, तो नंबर पाँच पर है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी जेसन क्रेजा। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के आप स्पिनर जेसन क्रेजा ने 2008 में भारत दौरे पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। आपको बता दें कि नागपुर टेस्ट मैच में जेसन क्रेजा ने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 12 विकेट लिए थे। इस मैच में जेसन क्रेजा ने सौरव गांगुली को अपनी गेंद पर कैच लेकर शून्य पर आउट कर दिया था। पहले ही मैच में दमदार प्रदर्शन के बाद लगा कि जेसन क्रेजा ने टीम में अपना स्थान पक्का कर लिया है,
लेकिन उनके करियर का दूसरा टेस्ट मैच ही उनके लिए आखिरी साबित हो गया और उसके बाद जेसन केजा को टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।